उज्जैन के आगर रोड पर श्री सिटी प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक पारस जैन ने श्री सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को शाल श्री फल से सम्मानित किया और कहा कि उज्जैन शहर के हर आम नागरिक की आवाज बनकर मीडिया कर्मी और आप सब बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे ताकि उज्जैन जिले में निवास करने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण आपकी कलम कैमरे की ताकत से होता रहे। इस दौरान श्री सिटी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दैनिक माटी की परिवार उज्जैन सिटी प्रेस क्लब, हमारा उज्जैन परिवार और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी पदाधिकारियों का सम्मान समारोह रखा गया था। इस सम्मान समारोह में शहर में कोरोना काल में सेवा देने वाले सेवाभावी चिकित्सकों, समाज सेवियों और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया था। आज हमने दैनिक माटी महिमा परिवार की ओर से कोरोना के इंचार्ज डॉक्टर H.P. सोनालिया, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.D. शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी का सम्मान किया और समाज सेवियों का सम्मान भी किया। उन्होंने कोरोना काल में अदम्य साहस का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में अपने घरों से निकल के कच्ची सामग्री बांटी, भोजन बांटा, ऐसे समस्त समाज सेवियों का सम्मान उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री पारस जी जैन साहब, हमारे महाकालेश्वर मंदिर समिति के पूर्व सदस्य महेश पुजारी जी, रवि राय जी, हमारे सिटी निर्वाचित अध्यक्ष शैलन कुलमी जी, हमारे अमर शहीद गजेंद्र सुरवे जी के पिता अशोक सुरवे जी, माता जी कल्पना सुरवे जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजपूत समाज के अंगद सिंह जी भदौरिया, हमारे सीनेट के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी के सानिध्य में किया गया। आज का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो शहर वासियों के लिए और मध्यप्रदेश वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या भाई साहब की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जितने भी कोरोना काल में जितने भी लोगों ने, हम डॉक्टर्स, आप लोग, पत्रकार लोग, प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी, समाज सेवी, जैसे कुछ महिला संगठन, इन्होंने भी उस समय में जो सेवा दी है उनको सम्मानित किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे कि उनको और प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा ऐसी महामारी ऐसे कोविड की आपत्ति उज्जैन शहर पर आए तो उसमें हम लोग सब कुछ मिलकर इससे लड़ सकते हैं। तो अभी भी कोरोना काल पूरा साल जा रहा है, 2020 जा रहा है, परंतु अभी भी हम लोग बहुत रिलैक्स ना रहे क्योंकि अभी भी कोरोना चल रहा है। कहीं ब्रिटेन में लॉकडाउन लग गया है, कहीं जर्मनी में लॉकडाउन लग गया है, हमारे यहाँ पर भी वहाँ से कुछ लोग आए हैं, तो अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि नया स्ट्रेन जो वायरस का है वो यहाँ पर हम लोगों में ना फैले, इसलिए हमको मास्क लगा के अभी भी रखना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है और एक दूसरे को समझाना है कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, अपने को अलर्ट रहना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।